हरे कृष्णा मॉर्निंग जो सेशन में सभी भक्तों का स्वागत है थैंक यू वेरी मच आज का शिला प्रपा जी का कोर्ट है 1970 लेटर टू श्याम सुंदर कृष्णा लीला इन वृंदावन इज प्रकट और मैनिफेस्ट लीला एंड द सेम इज Going on eternally in the spiritual realm, which is known as aprakat or non manifest. Krishna's planet and Krishna's pastimes are going on eternally, and the same is manifested before the conditioned souls at certain intervals, once in a one day of Brahma, exactly as the sun is visible for. 12 hours once in a 24 hour cycle of day and night when the sun is visible it is called prakat and when the sun is not visible that is called aprakat or unmanifested non manifested <clears throat> therefore does not mean there is no existence but the terms are used in relation to the visibility or non visibility टू दा लिमिटेड कंडीशन सोल्स इसका हिंदी में अनुवाद है वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रकट लीला कहा जाता है और वे लीलाएं आध्यात्मिक लोक में निरंतर चलती रहती हैं, जिन्हें अप्रकट कहा जाता है वहां ये लीलाएं शाश्वत हैं, परंतु बीच बीच में इन्हें बद्ध जीवों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार उसी प्रकार जैसे सूर्य दिन और रात के 24 घंटे के चक्र में एक बार 12 घंटे के लिए दिखाई देता है जब सूर्य दिखता है तो वह प्रकट होता है और जब नहीं दिखता तो अप्रकट अप्रकट होने का यह अर्थ नहीं है कि तो उसका अस्तित्व ही नहीं है इन शब्दों का प्रयोग बद जीव की देखने और ना देखने की क्षमता के संदर्भ में किया गया है हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण आज के इस कोट में श्री उपाध ये बताते हैं कि भगवान की जो उनकी लीलाएं हैं वो निरंतर उनके धाम में गोलोक में चलती रहती है लेकिन कभी कभी वो इस पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में लीला करने के लिए आते हैं उस तब वो हमें दिखाई देते हैं उसको प्रकट लीला कहते हैं जो हमें दिखाई देती है कंडीशन सोल को दिखाई देती है और जब वो चले जाते हैं तो उनकी लीला अप्रकट हो जाती है ये नहीं कि उनकी लीला हो नहीं रही भगवान की लीला हर समय किसी न किसी ब्रह्मांड में होती रहती है और उनके दिव्य लोक में तो हमेशा ही चलती रहती है ब्रह्मांड में उनकी लीला होने का कारण गीता तो में बताया गया है यदा यदा ही धर्म से भारत अभिउत्थानम धर्म से तदात्मानम जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म बढ़ता है तो मैं प्रकट होता हूँ परित्रनाय साधु नाम धर्म संभवामे युगे। और विशेषकर साधु परित्र भक्तों को आनंद देने के लिए विनाशाय च और दुष्टों का संघार करने के लिए संभवा में युग युग तुम्हें तो हर युग में प्रकट होता भगवान वास्तव में यहाँ आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए दुष्टों का संघार तो भगवान की कोई भी शक्ति कर सकती है इसको बड़ी बात नहीं है लेकिन भक्तों को जो आनंद उस स्वयं भगवान ही दे सकते अनुग्रणा भक्त नाम मानुषिम तनुम आश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा युवा तत् ये भगवान मनुष्य रूप में भक्तों पर कृपा करके इस प्रकार की लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर हम भक्त उनकी ओर आकर्षित हों और इस भौतिक जगत से हमारा चक्र समाप्त हो छूटे तो यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो हमारे उद्धार के लिए हमारे कल्याण के लिए होती हैं और उनकी किसी न किसी ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मांड है उनकी लीला चलती रहती है एक बार द्वारका में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए आए तो द्वारपाल ने से कहा कि जाकर कहो कि ब्रह्मा आए हैं तो द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास गए उसे कहा कि ब्रह्मा आए हैं आपसे मिलना चाहते श्री कृष्ण ने द्वारपाल को कहा कि उनसे जाकर पूछे कौन से ब्रह्मा है पूछा कि भगवान पूछे कौन से ब्रह्मा है ब्रह्म हैरान हो गए कौन से ब्रह्मा मतलब क्या है? दी ब्रह्मा अंग्रेजी में कहते है, है, तो है। हैं तो है, ब्रह्मा, ब्रह्मा। उनको ले ब्रह्मा तो जी अंदर गए तो उन्होंने देखा ब्रह्माओं की लाइन लगी हुई थी वहा भगवान के दर्शन करने के लिए इनके तो चार मुख थे कई ब्रह्माओं के आठ थे कहीं के सोलह थे कहीं के बत्तीस थे अनेकों तो अनेकों हैं और कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में चलती रहती है सूर्य उदाहरण पर उपाध्य देते हैं बड़ा सुंदर कि जब हमें सूर्य दिखाई देता है वो प्रकट है जब सूर्य हमें नहीं दिखा दिखाई देता रात हो जाती है इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य चला गया सूर्य की एग्जिस्टेंस नहीं है सूर्य है वो कहीं और प्रकाश दे रहा है इसलिए भगवान की जो लीलाएं वो चलती रहती हैं और एक और विशेष बात प्रोपाज जी ने बताई है इस श्लोक में जो हम सबके लिए बहुत में, इस कोट में जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं प्रकट होते हैं इस भूमंडल भगवान के अनेकों अवतार है, क्षण क्षण में अवतार होते रहते हैं, अवतार गुण अवतार मनवंतर अवतार लीला अवतार शक्तिवेश अवतार छह प्रकार के अवतार भगवान के हैं तो लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण केवल एक बार ब्रह्मा जी के दिन में प्रकट होते हैं और वो समय उनका अभी था आज से लगभग पांच हजार साल पहले जो भगवान प्रकट हुए वो स्वयं भगवान थे स्वयं श्री कृष्ण थे ये तेज अंश कला पंसा कृष्णस भगवान स्वयं भगवद गीता में बताया गया जब ब्रह्म जब वेद व्यास जी भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन करते हैं कि ये सब उनके अंश है और अंशों के अंश है कला है लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं लेकिन जो श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान और जब स्वयं भगवान यहाँ आते हैं तो उनके दो विशेष लक्षणों से उन्हें पहचाना जा सकता स्वयं भगवान के लक्षण एक तो वो और अवतारों के दर्शन करा सकते हैं दूसरा वो प्रेम प्रदान करते हैं ये दो तो कार्य केवल स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जब आए पांच हजार साल पहले उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को दुर्योधन की सभा में अपना विराट रूप दिखाया यशोदा मैया को मट्टी खाकर मुंह खोलने के बहाने उसमें विराट रूप दिखाया और श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपने सखाओं को गोपियों को माता पिता को कृष्ण प्रेम प्रदान किया तो कृष्ण प्रेम जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है उनसे पहले जो चार पुरुषार्थ विशेष कर जाने जाते हैं धर्म अर्थ का मोक्ष वही चार जाने जाते हैं लेकिन जब श्री कृष्ण स्वयं में आते हैं तो पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम भी प्रदान करते हैं और विशेष कर ये कार्य किया चैतन्य महाप्रभु ने वास्ते पांच सौ साल पहले आए और उन्होंने उनके आने से पहले शास्त्र थे सब कुछ था लेकिन उन सभी शास्त्रों में केवल धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनकी चर्चा ये चार पुरुषार्थ की चर्चा की जाती थी व्यक्ति धर्म करे जैसा शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार अर्थ कमाए उसके साथ उसके साथ फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति करे धर्म अर्थ काम और फिर अंत में मोक्ष के लिए प्रयास करें और मोक्ष की धारणा यही होती थी या तो हम भगवान की जो विग्रह से दिव्य ज्योति निकल रही है ब्र, ब्रह्म ज्योति उसमें समा जाए या अधिक से अधिक हम वैकुंठ जगत में चले जाए जहां हम उनके साथ दास्य भाव में जैसे ऑफिस में बॉस और सर्वेंट का कर्मचारी का रिलेशन होता है उस रिलेशन पे लेकिन इन इन रिलेशनशिप में ना तो ब्रह्म ज्योति में हमें पूर्ण आनंद मिलता है ना हमें वैकुंठ जगत में पूर्ण आनंद मिलता है जीव की जो जिज्ञासा है जो इच्छा है जो जरूरत है वह शुद्ध कृष्ण प्रेम की तो उसको देने के लिए और उसको कैसे प्राप्त किया जाए चेतन महाप्रभु आज से पांच साल पहले आए और वो जैसा कि प्रोपाज़ जी बताते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि आठ करोड़ साल है तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म उस युग में हुआ है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और उनके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और महाप्रभु तो इतने कृपालु थे क्योंकि वो राधा रानी का भाव लेकर आए थे कि उन्होंने अपने समय में कृष्ण प्रेम जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि मुक्त हृदय से वितरित की है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चेतन नाम ने गौरत विषय नमः श्री रूप गोस्वामी प्रभु के बारे में लिखते हैं नमो महावदन आप महावदन्याय न्याय यदि मोस्ट म्यूनिफिसेंट सबसे अधिक उदार है क्योंकि आपने कृष्ण प्रेम प्रदाय थे आपने कृष्ण प्रति प्रेम दिया है सबको नमो महावदन कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्ण आय कृष्ण चिंतन नाम ने गौरत विषय नम मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं जिनका वर्ण जो है गौरव विषय नमा जिनका वर्ण जो है वो गौर है तो अनेकों कथाएं हमने महाप्रभु की सुनी है जिसमें उन्होंने कृष्ण प्रेम किस किस को दिया नारायणी चार साल की बच्ची को कृष्ण प्रेम दिया शिवानंद सेन के कुत्ते को कृष्ण प्रेम दिया झारीखंड के जंगलों को कृष्ण प्रेम दिया बड़े बड़े वेदांतियों को सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रकाशन सरस्वती को कृष्ण प्रेम दिया महाराज प्रताप रुद्र को कृष्ण प्रेम दिया खोले वचन श्री श्रीधर को कृष्ण प्रेम दिया उन्मुक्त हृदय से दुखी दासी को कृष्ण प्रेम दिया लेकिन इससे भी आगे महाप्रभु ने केवल कृष्ण प्रेम वितरण की जो सुविधा थी अपने समय तक ही सीमित नहीं रखी उन्होंने आने वाले दस हजार वर्षों के लिए भी इसका विधान किया कि जो जीवात्मा है, जो मनुष्य इस युग में आएंगे और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो उन्हें भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती इसके लिए उन्होंने अपने छह गोस्वामियों को वृंदावन में भेजा और शास्त्रों के आधार पर भक्ति परक ग्रंथों की रचना कराई जिसमें कृष्ण प्रेम को सर्वोच्च पुरुषार्थ पंचम पुरुषार्थ माना गया है आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज वर्गे नया कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मत इदम तत्राद्रह न बरा इस एक श्लोक में महाप्रभु ने जीवन के सारे हमें जो उपलब्धियां है उसका उपाय बता दिया है आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो कि हमें ब्रजेंद्र भगवान श्री कृष्ण की जो वृंदावन धाम के वास उनके आराधना करनी चाहिए रम्या का अचित उपासना ब्रज बधु इस प्रकार करनी चाहिए ब्रज की गोपियों की तरह से करनी चाहिए रम्या का अचित उपासना ब्रज बुद्ध वर्गे ने श्रीमद भागवतम प्रमाण प्रेमा पुनर्थम तो महा और जीवन का जो पंचम पुरुषार्थ है महान पुरुषार्थ वो प्रेम है इसका इसका प्रमाण क्या है श्रीमद भागवतम प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु मत किसका है चैतन्य महाप्रभु का है हम इसका आदर करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए छह गोस्वामियों को वृंदावन भेजा उन्होंने भक्ति के शास्त्रों की रचना कराई उन्होंने भगवान के लुप्त जो स्थान हो चुके थे कृष्ण की लीलाओं के पांच साल पहले जो आए थे उनका उद्धार किया उनकी खोज की उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया उन्होंने वैष्णवाचार संगीता की रचना की एक फार्मूला हमें बताया कि किस प्रकार हम इस मार्ग पर चलकर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति स्वामी रूपा जी ने उसी को हमें हमारे उपयुक्त साधन बताकर हमें प्रदान किया हरे कृष्ण महामंत्र माला का जप बहुत बड़ी बात नहीं है ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे इस महामंत्र की सोलह माला का जप करें चार नियमों का पालन करें जो हमें पाप से बचाते तो भक्ति भी करें पाप के काम भी करते रहे तो उसका प्रभाव नहीं होगा चार नियमों का पालन करें नो मीटफिश है नो गेमिंग एंड नो इलिसिट सेक्स भक्तों का संग करें भक्ति में ग्रंथों का अध्ययन करें श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता श्री चैतन्य चरितामृत इन ग्रंथों का अध्ययन करें और जहां हम रहे सिंपल लिविंग आई थिंकिंग प्रिंसिपल हमें बात करते तो प्रभुपाद जी ने जो फॉर्मूला दिया है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का जो यहाँ वो प्रकट हुए आज से 500 साल पहले उनकी उस प्रकट लीला में उन्होंने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त करने का साधन हमारे लिए बताया दस हजार वर्षो तक अपने समय में तो उन्होंने जो भी उनके संपर्क में आया जिसने उनके दर्शन किए जिसको उन्होंने छुआ इस किसी को वाणी से उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया तो हम इस दृष्टि से बड़े सौभाग्यशाली हैं के चैतन्य महाप्रभु के युग में उनकी जो कृपा है दस हजार वर्ष तक चलने वाली है पांच सौ साल उसके लगभग बीच गए हैं नौ हजार पांच सौ साल और है जिसमें हम कृष्ण प्रेम को ये जो हमने साधन बताए इनके द्वारा अपना कर प्राप्त कर सकते हैं इस बार हम चूक गए तो जैसे प्रोपा जी कहते हैं ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में फिर श्री कृष्ण आएंगे उनके बाद फिर चैतन्य महाप्रु आए और कितना समय उनका आठ करोड़ साल वंस वी मिस दिस बस विल गेट इट आफ्टर आठ सौ चौसठ करोड़ सालों के बाद दिस इज अवेलेबल टू अस हमारे लिए उपलब्ध है सरल है लाखों लोग विश्व में इसका लाभ उठा रहे हैं हमें भी गंभीरता से सोलह माला जप करें चार का पालन करें भक्तों का संग करें अध्ययन करें और जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम उसकी प्राप्ति करें हरे कृष्णा धन्यवाद थैंक थैंक यू यू कृष्णा गौरी वेरी मच आपने बहुत सुंदर बताया कि भगवान जो स्वयं जब आते हैं चाहे वैसे कृष्णा आए या फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है भक्तों का उद्धार करना और उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करना और ऐसा मौका जैसे भी आपने बताया कि आठ सौ चौसठ करोड़ साल के बाद मिलता है तो हमें उसकी वेट नहीं करनी चाहिए हमें अभी से बढ़िया से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए करते रहना चाहिए ताकि इसी जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके थैंक यू वेरी मच जी हरे कृष्णा थैंक यू हरे कृष्णा